हाँ जी नमस्ते। तो कुछ दिन पहले मैं पुणे से नागपुर आया था, और नागपुर आते ही मुझे पता लगता है कि हमारे जो बड़े भैया है श्री गोलू भैया, वो तो एक फैमिली पिकनिक प्लान कर रहे हैं। अब फैमिली पिकनिक का नाम सुन के मन में लड्डू तो फूट गए, पर दिमाग ये सोचा था कि भाई जाएंगे किधर। फिर किसी एक ने बोला चलो सालबर्डी चलते। अब मैं सालबर्डी सुन के सोचा अबे ये कौन सी जगह है। फिर क्या, मैं गूगल बाबा के पास गया और जो मैंने देखा वो आपको आगे पता चलेगा। तो बस उस दिन मैं उठ गया सुबह सुबह 6 बजे, गाड़ी में बैग भरा, गाड़ी ऑन की और चल बसे। तो अभी टाइम हो रहा है 6:43, गुड मॉर्निंग। एज ऑलवेज नमस्ते भाई, उनके बहनों मैं हूँ आपका पीएम के व्लॉग्स। भाई ये कुछ नया देखते, तो बस अपनी आज की फैमिली यहाँ पे रेडी है। लेट मी इंट्रोड्यूस, ये हमारे ग्रुप लीडर गोलू भैया, यहाँ पे शोर है, यहाँ पे पापा है, यहाँ पे भाभी है, अपू है, और हमारे दोस्त शर्मिले लड़के। चलते भाई, पहले से ही बहुत लेट हो गए। तो कुछ किलोमीटर चलाने के बाद हम सब लोगों को लग जाती है भूख, और फिर हाँ जी बॉस अभी हमने ब्रेक लिया है, 60-70 किलोमीटर चला लिया एंड अभी ब्रेक मांगता है बीड़ू, कमर दुख गई बहुत गंदे। हमारे दो कार तो आ गए बॉस, लेकिन हमारे एक कार आने की अभी बहुत ज्यादा पीछे चल रही है, हमारा ड्राइवर स्लो है इधर। इस समय हम लोग चक्रधर रेस्टोरेंट वरुण में, सबसे फेमस रेस्टोरेंट चक्रधर रेस्टोरेंट। अब हम सब ने यहाँ पर तर्री पोहा खाया और कॉफी की चुस्किया ली। हाँ जी, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सच में इतना मस्त लगा है, एकदम ना विलेज के एकदम बीचों बीच में एंड आजू बाजू मस्त पहाड़ भी पहाड़ है। हाँ जी, तो फाइनली अपन सालबर्डी पहुंच गए। तो पहाड़ी पे चढ़ने के टाइम क्या है, दो रास्ते, यहाँ से ऐसा मुड़ के आना पड़ता है और एक यहाँ से सीधा है, और बाजू में एक छोटा सा अपॉन्ड जैसा है। बॉस मेरे जो सामने व्यू है ना, वो बहुत सही दिख रहा है, ऐसा रॉक और बीच में नदी वदी भी है यहाँ पे, नहीं क्या थोड़ी सी एक छोटी सी नदी है और यहाँ पे मस्त पत्थर वत्थर है, अच्छी सीनरी दिखी नहीं की शुरू आते लोग। ये देखो, ऐसा मत करो मेरी जान, सब लोग बहुत टेंशन दे रहे हैं, पैदल कुछ चल नहीं रहा है, सब मुटिया रहा है, पैदल चलने के लिए सब कुछ लगा है। यूट्यूबर ध्यान दे, ये जो नदी है, ये नदी जो है उधर से आ रही है, और इस नदी की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी है। अच्छा जी, तो अभी नहीं क्या पहाड़ी तो नहीं चढ़े हम लोग, मतलब यहाँ पे नहीं क्या पत्थर और नदी का बीच में ऐसा है, और इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, मतलब मस्त लग रहा है। ऐसे गाड़ी आती वो ये वाला था एंड हम लोग यहाँ से आए। अगर तुमको पहाड़ी चलनी है तो वहाँ से जाना पड़ेगा, पूरे फैमिली मेम्बर्स इधर जावे, नहीं ज्यादा हरियाली है ना यहाँ पे। देखो सही में ऐसा लगता है कि यार नेचर में बहुत अनोखी चीज रहती है, पीस मिलता है, एक शांति मिलती है, और हमारे साथ है गोलू भैया, कॉमेडी पर्सन। अब आपके पैरों की अपनी परीक्षा शुरू, अब आप अपना साथ खुद ले, किसी का हाथ पकड़े नहीं, आपको अपने पैरों पे भरोसा हो तो ही ऊपर जाए, नहीं तो यही बैठे आराम से। भाई अभी तक के तो कुछ भी नहीं चढ़े, और हमारे फैमिली वाले भाई ज्यादा ही थक गए, ऐसा हाँप रहे, थोड़ी सी सीट मिली नहीं कि यहाँ बैठ जाते लोग। 10 मिनट बैठे थे तुम वहाँ पे। मैं नहीं बैठा, मर गए थे तुम वहाँ पे, दस मिनट पहले आप मर गए थे, और नहीं तो क्या, मैं नहीं पानी डाला ऐसा थोड़ा सा तो। ये सब आइटम है कहाँ से आता है आप? हमारा दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग जो खुरापाती दिमाग। हमारे साथ में जो पुणे से यूट्यूबर आया है मिस्टर पराग, उन्होंने यहाँ पे अपना अल्तुवा लगा दिया है। बस अभी हमारा नींबू पानी ब्रेक हुआ है, यहाँ पे सब थक चुके हैं एंड गोलू भैया इज ऑन स्पेशल ड्यूटी। या कैसा है? बहुत अच्छा बनाया है नींबू पानी, मेरे फोटोज निकाल रहा है वीडियो। तो अगर जो भी आ रहा है इधर सालबर्डी, थोड़ा सा चौंगे भैया की दुकान मिल जाएंगे, आ जाना भैया के पास नींबू पानी पीना, 20 रुपए ग्लास, मस्त बिस्लरी पानी का नींबू पानी। जल्दी निकलो, पत्थर में रोक के रखा, जल्दी नहीं तो गिर जाएगा। हाश, फाइनली आ गए, मजा आ गया, और अभी मैं तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ यहाँ से एंड वो कुछ ऐसा है।
हाँ जी, तो तुम लोग जैसे ही ऊपर आते हो ना तो यहाँ पे शूज रखने का है एंड फिर और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, बस थोड़ा सा, खत्म, 5 मिनट में खत्म। मोबाइल का लाइट लगा के जाएंगे तो आपको वहाँ पे भगवान शंकर के साक्षात दर्शन होंगे। आप यहाँ पर आइए फैमिली, साथ में खाना बना कर लाइए, यहाँ पर बनाने का कोई साधन नहीं है और थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके गाइस, सी यू अगेन। इस समय भगवान शंकर की गुफा में आप वो जो सामने देख रहे हैं जी, से आपको नीचे गुफा में जाना है जहाँ भगवान शंकर खुद विद्यमान है और हम उनके प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ। हाँ जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुफा में। हाँ जी, जो मेरे पीछे जो देख रहा था ना, वो है मेन जो मंदिर है ना। हाँ जी, ये जो पानी दिख रहा है ना, मैंने इस बारे में पढ़ा था, ये पता नहीं पानी कहाँ से आता है, कुछ इसका ये नहीं है, बस इस पानी आते रहता है, बहते रहते। ये देखो इधर, हाय ग्यूडी। समय आप है सतपुड़ा की सुरम वादियों में जहाँ पर आपने भगवान शंकर के दर्शन कर चुके हैं। शंकर के दर्शन करने आए हुए सभी 10th क्लास में हैं और भगवान से बोलने आए हैं कि भगवान पास करा दे, पास करा दे। ये अपने गांव के लोग हैं सब यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन करने आए हुए और सभी को कवर करेंगे। भगवान शंकर की जय। स्मार्ट दिख रहा है तू जी बॉस। यहाँ पर एक सामूहिक चित्र लिया जाएगा। ये यार देखो तो बोलने दो। हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा अभी दर्शन वगैरह हो गया है एंड अभी हम लोग जाएंगे नदी के पास खेलने। यो यो। हाँ जी, तो हमको एक बहुत अच्छी प्लेस मिली है जहाँ से बहुत प्यारा व्यू दिख रहा है, बस थोड़ी सी धूप है इसलिए अच्छा नहीं दिखेगा, पता नहीं, लेकिन भाई व्यू तो बहुत सही दिख रहा है। अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @imPMKVlogs। ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरे को पिज्जा चाहिए। हाँ पिज्जा बेटा, हम लोग कोई स्विट्जरलैंड में की थोड़ी है, हम लोग है पहाड़ों के बीच, यहाँ पर हमने हमारे को यहाँ पर या पिज्जा यहाँ पर रोटी मिल जाए उतनी बहुत है।